चलिए इसी बीच बड़ी खबर, बिजली अभियंताओं के आंदोलन से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता देते हैं। मंत्री भंवर सिंह भाटी के साथ जेईएन प्रतिनिधियों की वार्ता होगी। जी हां, विद्युत भवन में अब से कुछ ही देर के बाद ये वार्ता होने वाली है। पावर इंजीनियर्स एसोसिएशन के पदाधिकारी भी इस बैठक में, इस वार्ता में मौजूद रहेंगे। कनिष्ठ अभियंताओं की मांगों को लेकर बैठक में मुख्य तौर पर चर्चा होगी। चूंकि अल्टीमेटम दिया गया है, आंदोलन को रोकने के लिए हर संभव प्रयास प्रशासन करेगा। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी विकास इस वक्त फोनलाइन पर जुड़ के। विकास, सबसे कुछ ही देर पहले आपने जानकारी दी थी और जानकारी सही भी है, मंत्री भंवर सिंह भाटी के साथ में जेईएन प्रतिनिधियों की वार्ता आपसे कुछ ही देर के बाद, क्या पूरी अपडेट्स पर? देखिए, बिल्कुल, कल जिस तरह से कनिष्ठ अभियंताओं ने कूल डाउन हड़ताल का निर्णय लेकर माँ पड़ाव जयपुर के अंदर ये करेंगे, उससे पहले पूरे प्रदेश भर में बिजली सप्लाई जो है बाधित होने की जो आशंका है, चलते खुद भंवर सिंह भाटी मंत्री जो है उन्होंने खुद ने प्रसंज्ञान लिया है और खुद ने उन्होंने सभी जो अभियंता प्रदेश प्रतिनिधि है उनको वार्ता के लिए बुलाया है। अभी 1:30 बजे विद्युत भवन के अंदर एक वार्ता प्रस्तावित है, जिसके अंदर की जब भी सभी जो अभियंता प्रतिनिधि है उनसे वार्ता की जाएगी, उनके मांगे जो है उनपे डिस्कस किया जाएगा और एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जाएगी, ताकि जो आंदोलन उसको किसी भी सूरत में रोका जा सके। क्योंकि अगर ये आंदोलन होता है और ये आंदोलन आगे चलता है तो पूरे प्रदेश में बिजली आपूर्ति जो व्यवस्था जो है वो शर्मा सकती है। इसी को देखते हुए प्रशासन भी इस पूरे मामले में अलर्ट है और कई तरह के सख्ती के बड़े निर्देश भी जारी किए गए हैं। साथ में खुद मंत्री भंवर सिंह भाटी जो है वो प्रसंज्ञान लेते हुए उन्होंने वार्ता के लिए उनको बुलाया, ताकि बीच का रास्ता निकाला जा सके। जी बिल्कुल विकास, और देखिए, अगर आंदोलन को रोकने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं प्रशासन को भी इस मामले की संजीदगी पता होगी कि अगर ये आंदोलन होता है तो कितने लोगों को, आम जनता को इससे परेशानी हो सकती है। हाँ बिल्कुल, देखिए, पूरे प्रदेश भर के अगर कनिष्ठ अभियंता जो कि पूरी तरह से बिजली आपूर्ति की व्यवस्था जो है वो फील्ड में संभाले रहते हैं, अगर वो लोग उससे भी चले जाते हैं, अवकाश चले जाते हैं या महापड़ाव में शामिल हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में पूरे प्रदेश में बिजली आपूर्ति व्यवस्था जो है चरमरा सकती है। इस वक्त भीषण गर्मी का माहौल है और भीषण गर्मी में बिजली का लोड मैनेजमेंट बहुत बड़ी एक फील्ड की चुनौती है, उसको मैनेज करने के लिए कनिष्ठ अभियंताओं की जिम्मेदारी बहुत बड़ी बन जाती है। तो ऐसे में इस वक्त में अगर आंदोलन चलता है तो एक बहुत बड़ा संकट जो है पूरे प्रदेश भर की जनता के लिए खड़ा हो सकता है, और यही वो वजह है कि खुद प्रशासन जो है इस पूरे मामले में सख्त भी है और साथ में संवेदनशील भी है। इसलिए एक तरफ जहाँ सख्ती पर निर्देश निकाले जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर संवेदनशीलता का परिचय देते हुए खुद ऊर्जा मंत्री जो उन्होंने वार्ता के लिए इनको बुलाया है, और वार्ता के बाद देखते हैं कि इसमें क्या रास्ता निकलता है। लेकिन उम्मीद यही है कि जो वार्ता की जाएगी उसका सकारात्मक रूप मिलेगा और जो आंदोलन है उसका कोई बीच का रास्ता निकाला जा सकेगा। बिल्कुल, चलिए विकास, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।